वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी सवेर दी वीडियो दे विच आपां नौ पो वाले दिन पातशाह दे किला छड्डन तो बाद जो पिछे सिखां दी शहीदी हुई भाई संगत सिंह जी दी शहीदी हुई उस बारे गल कीती सी। अज ही नौ पो वाले दिन माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादे जो कि सत पो दी रात कुम्मा माशकी दे घर विच ठहरे सन, अठ पो नूं माता जी अते साहिबजादे गंगू दे पिंड वल रवाना होए सी। ते जद गंगू दे घर विच पहुंचे ते कहिंदे रात नूं गंगू ने माता जी दे हत्थ विच सोने दीआं मोहरां देख लईआं सी। ते उस दे मन दे विच चोर आ गया, लालच आ गया। रात नूं हौले जिहे माता जी दे सरहाणे कोलों सोने दीआं मोहरां वाली थैली चुक के लै गया। माता जी ने गंगू नूं देख लिया सी। जद गंगू ने कारा कीता पर माता जी कुछ बोले ना। जद सवेर हुई तां गंगू ने घर विच चोरी होण दा बहाना लगाया तां माता जी कहण लगे कि गंगू मोहरां वाली थैली तां तेरे कोल आ, मैं तैनूं राती उत्थों चुकदे नूं देख लिया सी। पर गंगू जे तेनूं पैसिआं दी लोड़ सी तां तेनूं चोरी करन दी की लोड़ सी, तूं मंग के लै लैंदा। तूं साडी अते मेरे पोतिआं दी इन्नी सेवा कीती आ, तेरी इस सेवा दे बदले इह मोहरां कुझ वी नहीं हन। जद गंगू इह गल सुणी तां बड़ा शर्मसार होया, पर शर्मसार होए ने अपनी गलती नूं मन्नण तों इनकार कर दित्ता अते माता जी दे उत्ते रौला पाउणा शुरू कीता। कहिण लगा कि इक तां मैं तुहानूं अपने घर विच रखिआ, उत्तों तुसीं मेरे उत्ते चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तो कहिंदे माता जी ने गंगू नूं शांत होण दे लई कहा कि पुत्र चुप कर जा, रौला ना पा, किते बाहर किसे सरकारी बंदे नूं ना पता लग जावे कि असी तेरे घर विच ठहरे आ। पर गंगू नहीं टलिया, वह गुस्से विच बाहर चला गया अते सिद्धा ही थाने विच गया। जाके लालची गंगू ने सरकारी हाकमां नूं कहा कि जेकर तुसी मैनूं इनाम दोगे तां फिर मैं दस सकदा हां कि गुरु गोबिंद सिंह जी दी माता अते उन्हां दे साहिबजादे कित्थे आ। तां कहिंदे उस समें दे कोतवालां नूं इह सुण के चा चढ़ गया। उन्हां ने कहा कि तुसी सा कि गंगू तूं सानूं जल्दी उन्हां दा टिकाणा दस, उन्हां दे कोल लै के चल, तेनूं तेरे मूहों मंगा इनाम दवांगे। तां कहिंदे लालची गंगू ने बेशुकरे ने जिस थाली दे विच खाधा उसे विच छेक कर दिता, भाव कि अपने लालच दे वस विच पै के माता जी अते छोटे साहिबजादियां नूं कोतवाल दे हवाले कर दिता गया। ते अज दी रात माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादियां ने सारी रात जेल विच कट्टी। पर कहिंदे ना माता जी घबराए ना ही बच्चे घबराए, क्योंकि माता जी बच्चिआं नूं उन्हां दे दादे दी हिम्मत ताकत कुरबानी दीआं बातां पाउण लगे, क्योंकि माता जी जाणदे सन कि मेरीआं इन्हां छोटीआं जिंदां दे उत्ते, इन्हां छोटे लालां दे उत्ते सवेर तो बड़े ही करड़े तिखे परचे पैण वाले ने। इस लई माता ने रात नूं ही तैयारी शुरू कर दित्ती। कहिंदे सारी रात ना सुत्ते, बस माता जी अपने पोतिआं नूं पक्के करदे रहे। ते इह सी अज दी साखी। अते इधर मेरे कलगीधर पातशाह माशीवाड़े दे जंगलां दे विच इक खूह कोल पहुंचे। पातशाह ने उत्थे पानी पीता अते कहिंदे पानी पी के मूंह विच इक शब्द गुणगुणाउण लगे कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। ते कहिंदे पातशाह इस शब्द दा उचारण करदे करदे ही सौं गए। तां इस तरह नौ पोह दे दिन भाई संगत सिंह जी अते बाकी सिखां दी शहीदी हुई, माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादे गंगू दे लालच दी भेंट चढ़ गए, भाव सरकारी जेल विच पहुंचा दिता गंगू ने। इसी नौ पोह दा इतिहास जेकर सिख इतिहास पढ़दिआं तों साखी सुणाउंदिआं तों कोई भी गलती हो गई होवे तां माफ कर देना। अते कल नूं आपां 10 पोह दी साखी लै के फिर तुहाडे तक हाजिर होवांगे। कल दी साखी दे विच छोटे साहिबजादिआं नूं सूबे दी कचहरी दे विच पेश कीता गया, उस बारे गल करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।